बीजेपी वाले अक्सर ये सवाल पूछते रहते थे कि आखिर मोदी के मुकाबले कौन, विपक्ष में नेता कौन है। लेकिन आप जानते हैं आजकल बीजेपी वालों ने ये सवाल पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, झारखंड में कल्पना सोरेन ने मोदी जी और बीजेपी दोनों की हालत खराब कर रखी है। तो उधर राहुल गांधी और प्रियंका ने भी मोर्चा संभाल रखा है, और बिहार में तो तेजस्वी यादव ने धागा खोल दिया है। हम लोगों को डराने की कोशिश करता है, मुकेश सहनी जी को डराने का कोशिश करता है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, ना झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से। अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण का दादा ही जेल में हुए थे, इनके गीता भक्ति से डरेंगे? आई गुजराती लग से बिहारी डरा जाएगा? तेजस्वी अब तक 100 से भी ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अपने एक बयान में तेजस्वी ने खुद कहा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना डाला है। ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं? हाँ मुकेश जी, एक हेलीकॉप्टर, उनका 50वां हेलीकॉप्टर। हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना रहे हैं, ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहे हैं। तेजस्वी यादव धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, उजियारपुर में, मुंगेर में, बेगूसराय में। तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की पीठ में चोट है, डॉक्टर ने अगले 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, खड़े होने तक पर रोक है। लेकिन तेजस्वी बिना रुके, बिना थके रैलियां कर रहे हैं, दवाएं खाकर, इंजेक्शन लगवाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। और तेजस्वी को सुनने के लिए, तेजस्वी को देखने के लिए जो जनसैलाब आ रहा है वो भयंकर है। इस भीड़ को देखिए, ये उजियारपुर के पातेपुर की जनसभा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भीड़ है, वहां तक युवा है, वहां तक शोर है, और तेजस्वी के हां में हां मिलाने का कोलाहल है। बिहार में यह नजारा किसी एक रैली का नहीं, किसी एक सीट का नहीं, बल्कि तेजस्वी जहां जा रहे हैं हर उस इलाके का है। मुंगेर में भी जब तेजस्वी यादव रैली करने पहुंचे तो वहां भी ऐसी ही भीड़ नजर आई। बेगूसराय में भी तेजस्वी ने अपने मंच से कहा कि उनका दर्द छोटा है, गरीबी और महंगाई का दर्द बड़ा है। गरीबी के दर्द के आगे महंगाई के दर्द के आगे, और हमने ठाना है जब तक नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिला देते तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा। सबको साथ लेके चलेंगे, हर जात के लोगों को साथ लेके चलेंगे, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलेंगे, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलेंगे। हम कलम बांटेंगे, लेकिन यहाँ का सांसद और भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पातेपुर और मोहिउद्दीनपुर की रैली में भी लाखों लोग तेजस्वी यादव की सभा में पहुंचे। तेजस्वी भी सिर्फ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी बिहार के बारे में जो अपना सर्वे बताया है वो बीजेपी की नींद उड़ा सकता है। योगेंद्र यादव ने अपने सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह चुनावी भूचाल के संकेत हैं। प्रदेश की 7 सीटों में घूमने पर हमें एनडीए के 1/3 वोट खिसकते दिखे, लेकिन अगर उसमें कहीं कम यानी एनडीए का 1/5 वोट टूटता है तो भी पासा पलट जाएगा और दोनों पक्ष बराबर होंगे, यानी एनडीए को 22 और महागठबंधन को 18 सीटें। अपने पूरे सर्वे पर, अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट पर फाइनल कमेंट जो योगेंद्र यादव ने लिखा वो ये कि बिहार में बीजेपी और सहयोगियों को कम से कम 17 सीटों का नुकसान है। अगर महागठबंधन की हवा तेज हो गई तो यह नुकसान 25 सीटों तक हो सकता है, यानी कम से कम महागठबंधन को 18 और एनडीए को 22, और ज्यादा हुआ तो महागठबंधन को 25 और एनडीए को 15 सीट आने का अनुमान है। दोस्तों, एक तरफ योगेंद्र यादव की यह रिपोर्ट, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का प्रचार अभियान, रैलियों में आती हुई भीड़ और 2019 में बीजेपी की जीती हुई 39 सीटें। सारे समीकरण देखिए, कड़ी से कड़ी जोड़िए तो आपको लगेगा कि बिहार इस बार चौंकाने जा रहा है और तेजस्वी यादव बाजी पलट सकते हैं।